हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम अतुल मौर्य है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो फिनिश कैसे करते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। आपको इसमें मैं बैकग्राउंड के बारे में और फिनिशिंग कैसे करते हैं उस सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये मैंने फ़ोटोशॉप में एक फ़ोटो ओपन अपना करके रखा हुआ है, इसी पर हम वर्क करेंगे। फ़ोटो को बड़ा कर लेते हैं। अब इसे क्रॉप करना है। आप यहाँ स्टूल पे या कीबोर्ड का सी बटन दबाएंगे तो एक क्रॉप टूल आ जाएगा। अब यहाँ अपने हिसाब से साइज लिखिए, जो भी आप जिस साइज में बनाना चाहते हैं। हम बनाएंगे 1.2 इंच गुणे 1.5 इंच। रेगुलेशन आप 300 रखें। अब इस फोटो को आप क्रॉप करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है तो आप कंट्रोल ए दबा के आप सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल टी दबाएं और ये कोने में ले जाकर देखिए। इसके बाद आप ये थोड़ा सा घुमा ले जिस तरफ चाहें माउस का बटन दबा के और इंटर कर दें। अब आपको एक बार क्लिक करना है, इसके बाद क्रॉप करना है। ध्यान रखें, अगर जो भी आप क्रॉप कर रहे हैं तो दोनों कंधा बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ बराबर साइज की होनी चाहिए। करने के बाद आप थोड़ा सा अब आप इंटर या फिर यहाँ ऊपर देखेंगे आपको एक कट और एक सही का निशान दिख रहा होगा। आप उस पर सही के निशान पे करेंगे तभी इंटर हो जाएगा। अब इसे आप थोड़ा जूम कर लें। जूम करने के बाद अब दोस्त आपको यहाँ फिनिशिंग करना है तो सबसे पहले आप कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और एल दबाएं, जिससे आप लाइट बढ़ जाएगी, कंट्रास्ट आ जाएगा फोटो में। अब आप ये कलर का बॉक्स दिख रहा होगा आपको, नीचे वाइट है मेरे में और ऊपर ब्लैक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वाइट पे। और अब स्क्रीन का कहीं जहाँ ना ज़्यादा गोरा हो ना ज़्यादा लाइट पड़ी हो ना कम पड़ी हो, वहाँ से आप ले लें बराबर रहे और ओके पर क्लिक कर दें। करने के बाद आप इस टूल पे जाएं, कीबोर्ड का आप ई बटन दबा सकते हैं, इरेजर टूल आ जाएगा। आप थोड़ा सा बड़ा करके आप यहाँ से ब्रश जाके ब्रश टूल अपना बड़ा या छोटा कर सकते हैं जितना चाहें। अब ये ज़्यादा हो गया है तो आप इसे कम कर दीजिए हटा के। अब यहाँ ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, स्टूल का बहुत ज़्यादा या 15 से या 11 के बीच रखें, 12 कर देता हूँ मैं। अब आप इसे थोड़ा सा चला दीजिए, आँख के पास और मुख के पास नहीं ले जाना है। फिनिश करने के बाद आपको अगर कहीं पर थोड़ा इधर उधर करना है, कहीं पर तिल है या फिर ऐसा, तो आप इस टूल का कीबोर्ड का जे बटन दबाएंगे, आप हल्का हल्का कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, अगर कहीं पर तिल हो या फिर कट का निशान हो तो उसे ना मिटाएं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये मेरा फिनिश हो गया। ध्यान रखें, पासपोर्ट साइज फ़ोटो में आप ज़्यादा फिनिशिंग न करें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, काफ़ी चीज़ें होंगी, बहुत प्रॉब्लम। इसलिए ज़्यादा नहीं, नेचुरल ही रखें। फिर आप कंट्रोल एम दबाएं, थोड़ा सा लाइट बढ़ा दें फ़ोटो की, इतना अच्छा लग रहा है। अब कंट्रोल वी दबाएं, कलर बैलेंस कर लें थोड़ा सा। तो आप देख रहे हैं अब मेज में जाते, अब थोड़ा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ब्लैक है, ब्लैक थोड़ा बढ़ा लीजिए, लो थोड़ा कम कर दीजिए और नेचुरल हल्का सा, और वाइट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए।
और ओके पे क्लिक है। ये मेरी फ़ोटो फिनिशिंग लगभग हो चुकी है, थोड़ा सा कलर वेलेंस और कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब फिर कंट्रोल एम से थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, वो सॉरी लाइट बढ़ा लेते हैं। फोटो मेरा लगभग फिनिश हो चुका है, अच्छा भी लग रहा है। अब आप इस टूल से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपके नहीं होगा, आप इसके लिए शिफ्ट बटन दबा के रखें कीबोर्ड का, या फिर आप यहाँ देखेंगे आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आप ये जो डबल ऑप्शन है इस पर क्लिक कर रहे तो आपको कीबोर्ड का शिफ्ट बटन नहीं दबाना होगा, सेलेक्ट हो जाएगा फटाफट। देखिए दोस्तों फोटो तो सिलेक्ट हो गया, ये कुछ फोटो के ऊपर हो गया, तो मैं इसे पेन टूल से थोड़ा सा काट देता हूँ। आप फोटो जहाँ तक आपकी उसके अगर ऊपर आया हो फोटो के ऊपर, तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं, और व्यक्ति सिलेक्शन ओके कर दीजिए। ये थोड़ा सा आ गया इधर भी, जैसे सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, अब मैक सिलेक्शन पे जाके और इसे 0 आप 2 भी रख सकते हैं, मतलब 0 रखिए ठीक है, और इसके बाद ओके कर देना है। आपको फेदर दे देना है, फेदर राइट क्लिक करेंगे फेदर आ जाएगा। अब यहाँ से फेदर 2 दीजिए और ओके कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दें इसका जो बैकग्राउंड है तो कुछ आसमानी होना चाहिए या वाइट होना चाहिए, तो आप वाइट इसलिए हम बता रहे हैं कि आपका फोन रिजेक्ट नहीं, वाइट करेंगे या हल्का आसमानी या नीला करेंगे जिससे आपका फोन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप रेड करते हैं तो हो सकता है आपका फोन रिजेक्ट हो जाए, या और कलर करते हैं तो रिजेक्ट होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। लेकिन आपके फोन में अगर वो मांगता है कि आप हमें इसी कलर में बैकग्राउंड चाहिए, तो आप ज़रूर रेड यूज करें, अगर रेड मांगता है या कोई कलर, तो आप ऐसे करिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आप हल्का आसमानी कलर, नीला या फिर वाइट कलर ही यूज करें। देखिए वाइट कलर करने पर ये आ रही है फोटो के जस्ट किनारे पर, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसे आसमानी रख देते हैं। इसके जैसे ही आप हम मैंने पहले बताया था ये फोटो के जस्ट नीचे देखेंगे व्हाइट वाले पे, जैसे हम क्लिक करेंगे एक कलर बॉक्स आ जाएगा, तो आप यहाँ से कहीं भी फोटो के यानी कि फोटो और बैकग्राउंड के जस्ट बगल में यहाँ से ले लेता हूँ, तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं से, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये कलर जो आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे आ गया होगा बॉक्स में। अब कीबोर्ड का डिलीट बना बटन दबाएंगे तो आपका बैकग्राउंड उसी कलर में सारे सारे हो जाएंगे। तो ये बैकग्राउंड हमारा लग गया, जिससे अच्छा भी लग रहा है फोटो आपका। अब इसे दोस्तों हम अब इस पे बॉर्डर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, तो बॉर्डर जो है हम ब्लैक में लगाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कीबोर्ड का कंट्रोल ए दबाना है, फोटो को सेलेक्ट करना है, और एडिट में जाके स्टॉप क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप कितने पिक्सल का देना चाहते हैं स्टॉक, उतना पिक्सल हम बांध देंगे। अब यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं, आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड अगर पासपोर्ट में यूज करें तो या वाइट या ब्लैक, तो ही कलर यूज करें तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ब्लैक चूज करके ओके कर देता हूँ। ये आ गया मेरे सामने। अब आप इस फोटो को कंट्रोल एन और ये है न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। आप यहाँ से साइज ले सकते हैं 4 6 5 7 8 10, जो भी आप, हम यहाँ पर 5 7 ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। दोस्तों अब हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं,
90 डिग्री पे, और अब इस फोटो को घसीट के मूव टूल, ये रहा मूव टूल। अगर आप कीबोर्ड का भी बटन दबाएंगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसे और फोटो पे क्लिक करें अपने, और उसे पकड़ कर घसीट कर नए डॉक्यूमेंट पे छोड़ दें, फोटो आ जाएगा। तो इसे बड़ा कर लीजिए डबल क्लिक करके, और आप यहाँ आप कीबोर्ड का शिफ्ट और आल्ट बटन दबाकर आप फोटो को की माउस के साथ घसीट दें। आप जैसे ही इसके बाद फिर आप माउस के बटन को छोड़कर ऐसे ही करते रहें, आपका बनता तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप नीचे भी बना सकते हैं। अब इसके लिए अब इस टूल का मदद से आप फोटो को सिलेक्ट करें, और अब कंट्रोल शिफ्ट और सी बटन से इस फोटो को कॉपी कर लीजिए, और कंट्रोल वी कर दीजिए दो बार, ये फोटो आपका रेडी हो जाएगा। और फिर शिफ्ट और आल्ट की मदद से आप नीचे हो सकते हैं। अगर आपसे कहीं गलती हो जाए, सॉरी बताना भूल गया मैं, अगर आपसे कहीं गलती हो जाए तो कंट्रोल आल्ट और जैसे ही प्लस जेड करेंगे, जो भी गलती फिनिशिंग में या फिर कहीं भी होगी तो वो बैक हो जाएगी। तो हम बैक कर देते हैं। आप ऐसे करके आप कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल ए शिफ्ट ई दबा देंगे, इसके बाद आप शिफ्ट और आल्ट बटन दबाएंगे, तब भी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये फोटो कॉपी हो जाएगा। अगर आप एक्शन बनाए हुए हैं, इसके बाद आप अगर एक्शन बनाए हुए हैं, आप जानते हैं एक्शन के बारे में, तो आप कीबोर्ड का एक बटन दबाएंगे तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पर F2 दबाते हैं, जैसे F2 हमने दबाया, ये मेरा फ़ोटो बन के तैयार हो गया, 15 कॉपी। अब इसे हम प्रिंट करा सकते हैं। इससे प्रिंट कराने के लिए दोस्तों आपको JPG फॉर्मेट में सेव करना है। आपको कीबोर्ड का कंट्रोल एस दबाएं, या फिर फाइल पे जाके आप सेव एस या सेव एस पे क्लिक कर देते हैं, और डेस्कटॉप सेलेक्ट, यहाँ पर PHD फोटोशॉप सिलेक्ट है, तो यहाँ पर हम JPG कर देते हैं, और यहाँ पर कोई नाम दे सकते हैं, देते हैं और सेव कर देते हैं। और आप यहाँ पर जब भी क्वालिटी दीजिए, देख ले लो, आप यहाँ पर क्वालिटी 12 रख के और ओके कर दीजिए। अब आपका पासपोर्ट फोटो बन के तैयार हो गया, और आप इसे कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप इसे सेव कर सकते हैं और इसे अपलोड भी कर सकते हैं फोन में। आप इसे सेव कर लीजिए कोई भी नाम लेकर, अब इसे फॉर्म पर अपलोड कर सकते हो, अपलोड कर दीजिए। आपका फॉर्म कहीं भी, आजकल ऑनलाइन ही सारे फॉर्म भरे जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए।